दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मनरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंटी नेट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम यूजीसी नेट के एक छोटे से टॉपिक पर बात करेंगे। दो ही मिनट का वीडियो होगा लेकिन यह क्वेश्चन एक दो बाद इस टॉपिक से आया है। दोस्तों मैं जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन बना है चाहे वह दो ही लाइन का क्यों ना हो मैं उसके सेपरेट वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार अगर आपने कोई क्वेश्चन आता है, कई क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जो टॉपिक को हम पढ़ते नहीं हैं या उसको लगता है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं और हम उसको सही कर देंगे, लेकिन नहीं, हम उसको गलत कर देते हैं और समझ नहीं पाते। तो मैं उसी तरह के क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ या उसी टॉपिक को ज़रूर पढ़ा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बना है वो भविष्य में और भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा, उपाधि देने वाले विश्वविद्यालय या कौन उपाधि दे सकता है, डिग्री कौन दे सकता है, इससे क्वेश्चन आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस के पेपर देखे होंगे तो आपको पक्का क्वेश्चन मिला होगा कि इस तरह के क्वेश्चन एक दो बार आया है। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको प्रत्येक जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसके टॉपिक से वीडियो मिल जाएगी, साथ साथ आपको जो है 20-20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सेट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लगभग 100 सेट आपको मिलेंगे जो कि पूरे सिलेबस से लिए गए हैं। 50% क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आ चुके हैं 10 सालों में पिछले, और 50% के आने की उम्मीद है। इसके साथ कुछ मैं वीडियो ऐसी भी बना रहा हूँ जिस जैसे कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने नोट डाउन किए हैं जिनसे थोड़े बहुत चेंजिंग के बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों उस क्वेश्चन को आपको वीडियो में क्वेश्चन भी दिया जा रहा है और क्वेश्चन के साथ उस पूरे क्वेश्चन की डिटेल, ताकि भविष्य में आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए आप आराम से कर लें, या कुछ जो टॉपिक्स हैं उनकी भी वो क्वेश्चन के साथ पूरे टॉपिक की डिटेल में आपको दी जा रही है। दोस्तों मैंने जो नेट किया पिछले वर्ष, मेरे फर्स्ट पेपर में 64% नंबर थे जो कि 60 से ऊपर अच्छा ही स्कोर माना जाता है, और मैंने जो तैयारी के दौरान नोट्स बनाए मैं उन नोट्स को आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी अध्ययन किया। और दोस्तों कुछ हमारे भाई या दोस्त ऐसे हैं जिनके पास प्रत्येक प्रकार की बुक खरीदने की स्थिति नहीं है या आर्थिक स्थिति कमज़ोर है लेकिन वह नेट करना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्तों को मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, ताकि वह उनका सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों अब चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर, उपाधि देने वाले विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले है केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। हमारी जितने भी भारत में 49 आज के डेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और उनके जितने भी कॉलेज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी हैं वे सब उपाधि दे सकती हैं। दूसरा है राज्य, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनती है, साथ साथ मैं ये भी बता दूँ हमारे संसद में जो कोई अधिनियम पारित करने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। राज्य विश्वविद्यालय या स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वो आपको जो है आप उपाधि दे सकती हैं। और आपको पता होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, सॉरी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, राज्य के जो विधानसभा होती है, विधानसभा में जो अधिनियम पारित किया जाता है, पारित करने के बाद जो स्थापना की जाती है तो वह राज्य या स्टेट यूनिवर्सिटी की जाती है। तीसरा दोस्तों जो है सम विश्वविद्यालय जिसको इंग्लिश में डीम यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, तो जितनी भी भारत में डीम यूनिवर्सिटी हैं वह भी जो है उपाधि दे सकती हैं।
और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों आपको, जो सम विश्वविद्यालय है या डीम यूनिवर्सिटी जो है, वह भी केंद्र सरकार या भारत सरकार की अधिनियम के द्वारा पारित होने के बाद ही स्थापना की जा सकती है। उसके बाद निजी विश्वविद्यालय, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या जिनको भी स्टेट गवर्नमेंट ने मान्यता प्राप्त की है, वह सभी विश्वविद्यालय जो है उपाधि प्रदान कर सकते हैं छात्रों को। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम पढ़ लेते हैं, कई बार देखते हैं कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और स्टेट ड्रीम या प्राइवेट, वही उपाधि देती नहीं। यह क्वेश्चन आया है, केंद्र विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय या सम विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय के अलावा उपाधि देने वाले और कौन कौन? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी IITs हैं वह सभी उपाधि भी प्रदान कर सकती हैं, और इसके अलावा NIT, जो भी NIT की संस्थाएँ हैं जितनी भी हैं भारत में, वो सभी उपाधि प्राप्त कर सकती हैं। IIM, फिर एम्स, जितने भी एम्स हैं वो भी उपाधि प्रदान कर सकते हैं, उसके अलावा IISER ये भी उपाधि प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाए। तो यह सभी जो है उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। तो दोस्तों आज का इतना ही वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।